हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम स्नेहा द्विवेदी और आज की वीडियो लेक्चर में हम फिर से क्लास 8 का मैथमेटिक्स मेंसुरेशन चैप्टर एक्सरसाइज 11.2 कंटिन्यू कर रहे हैं और हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑलरेडी कर लिया है और आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, जल्दी से करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, जो फ्लोर है बिल्डिंग का कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स, उसमें क्या है 3000 टाइल्स है। किसमें? फ्लोर में। फ्लोर मीन्स फर्श, ठीक है। एक बिल्डिंग है जिसका फ्लोर है और उसमें 3000 टाइल्स हैं, विच आर रॉम्बस शेप, और जो कि किस शेप में है, रॉम्बस की शेप में है। एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल आर 45 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर इन लेंथ, और इसके जो डायगनल्स हैं, एक डायगनल है 45 सेंटीमीटर एंड दूसरा डायगनल है 30 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर, क्या करना है, टोटल कॉस्ट निकालनी है फ्लोर को पॉलिश करने में, ठीक है, कितनी कॉस्ट लग रही है। जबकि इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 4, अगर एक मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 4 है, तो टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी। तो देखिए, हम टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, जब हमें एक मीटर स्क्वायर का 4 दिया है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो टाइल्स हैं उन टोटल का 3000 टाइल्स का एरिया निकाल लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो हमारा कॉस्ट आ जाएगा। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, किसका, 3000 टाइल्स का। तो 3000 टाइल्स का एरिया निकालने के लिए हमें पहले 1 टाइल का एरिया निकालना होगा, ठीक है। तो हम फटाफट से इसको कहते हैं नंबर ऑफ टाइल्स, क्या क्या गिवन है, नंबर ऑफ टाइल्स कितनी है 3000, राइट। अब लेंथ ऑफ टू डायगनल, डायगनल्स की जो हमारा टाइल्स है उसके डायगनल्स की लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ डायगनल 1 ऑफ टाइल्स, किसकी, टाइल्स की, ऑफ टाइल क्या है, 1 डायगनल की लेंथ क्या है 45 सेंटीमीटर। अब लेंथ ऑफ डायगनल 2 ऑफ टाइल, एक टाइल की जो डायगनल 2 है वो कितना है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। आप देखिए, अब हम निकालेंगे फटाफट से एरिया ऑफ टाइल, एरिया ऑफ 1 टाइल, एक टाइल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, हमें डायगनल्स दिए इसलिए हमने डायगनल का फॉर्मूला लगा दिया, राइट। क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय डायगनल 1, डायगनल 1 क्या है हमारा 45 सेंटीमीटर, डायगनल 2 क्या है 30 सेंटीमीटर, राइट। अब इसको डिवाइड कर दो 2 से, 2 15 से 30 होता है, देन 45 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा एरिया ऑफ 1 टाइल, एक टाइल का एरिया आ गया। हमें कितने टाइल्स का एरिया निकालना होगा 3000, तो यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ 3000 टाइल्स, 3000 टाइल्स का एरिया क्या हो जाएगा 675 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3000, तो कितना हो जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई कर दो इन सबसे और लास्ट में 3 जीरोज लगा देना, ये इजी वे है मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है। जब भी जीरोज हो तो पहले जो उसके आगे का नंबर होता है उसको मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद जीरोज लगा दो, तो 3 5 15, 3 7 21, 22 2 कैरी, 3 6 18 19 20, और यहाँ पे 3 जीरोज, तो कितना एरिया निकल गया, टोटल इतना एरिया आ गया, राइट। आप देखिए, अब क्या करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन में ध्यान से देखने वाली बात है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द पॉलिश, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी है 4, सेंटीमीटर की नहीं दी है, सेंटीमीटर की नहीं दिया, अगर सेंटीमीटर की दी होती तो हम डायरेक्टली 4 से मल्टीप्लाई कर देते, बट हमें क्या है मीटर की दी है, तो हम इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा एरिया ऑफ टाइल, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि देखिए ये स्क्वायर है, क्या है ये,
स्क्वायर है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, ठीक है। हम यहाँ पे है, हमें इसमें जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? 100 से डिवाइड, 1 2 2 है तो 20, तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 100 से डिवाइड, 100 से सिर्फ डिवाइड करने से काम नहीं चलेगा, 100 का डबल हो जाएगा, 100 इंटू 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2025000 इसको किससे डिवाइड करेंगे? 100 मल्टीप्लाई 100 से, क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर से ध्यान देंगे, अगर सिर्फ सेंटीमीटर होता तो हम 100 से डिवाइड करते, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 100 का भी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 100 का भी स्क्वायर होगा, तो जीरो से ये जीरो कैंसिल, अब एक जीरो से ये जीरो, अब एक से क्या हो जाएगा? 202.5 मीटर स्क्वायर, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, एरिया ऑफ 3000 टाइल्स आ गया। अब हम कॉस्ट निकाल देंगे टाइल्स की, कॉस्ट ऑफ 202.5 मीटर स्क्वायर, इतने की कॉस्ट कितनी आ जाएगी? दिस विल इक्वल्स टू 202.5 मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ठीक है। तो 4 5 जो 20, 2 कैरी, 4 2 जो 8, 9 10, 0 1 कैरी, 4 0 0 1, 4 2 जो 8। अब डेसिमल कहाँ लगेगा? एक नंबर के बाद, ठीक है। कॉस्ट है तो रुपीज में होगा, तो रुपीज 810, ओके। डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये आंसर हो जाएगा 810। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया है। अगर समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियोस कैसे लगा। वन मोर थिंग गाइस, आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग नहीं करिए, पूछिए जरूर क्या नहीं आया, क्या आया। बट सो सॉरी कि मैं आपको रिवर्ट नहीं कर पाती, क्यों? क्योंकि मुझे खुद नहीं याद कि मैंने उस वीडियो में क्या किया है, उसके बाद मुझे वो वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी। तो इसलिए आप लोग क्या करा करिए, उस वीडियो को एक से दो बार फिर से देख लीजिए और अपना माइंड लगाइए, आप लोग को डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि उसमें क्या किया है और क्या नहीं किया, क्योंकि मैं एक एक स्टेप बहुत एक्सप्लेन करके करती हूँ, ठीक है। तो सो सॉरी कि मैं रिवर्ट नहीं कर पाती, तो इसके लिए आप लोग एक काम कर लीजिएगा, वीडियो को दोबारा देख लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मे बी आपको समझ में भी आ जाए कि क्या किया है, ओके। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप शेयरिंग एंड कीप कॉमेंटिंग, क्योंकि कॉमेंट से पता चलता है कि वीडियोज लोगों को पसंद आ रही है, नहीं आ रही। और प्लीज वन मोर थिंग, सब्सक्राइब जरूर करा करिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, वीडियो देख लेते हैं चले जाते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, थैंक यू सो मच।